सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मौज आ गई थी। इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली को मोदी सरकार ने शानदार बना दिया है और अब मोदी सरकार ने महामहिम की सैलरी बढ़ाने का इरादा भी बनाया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी में करीब 3 गुना इजाफा हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनका वेतन बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ये कदम उठाया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद विसंगतियां पैदा हो गई थी। इसके हिसाब से राष्ट्रपति का वेतन देश के टॉप ब्यूरोक्रेट कैबिनेट सेक्रेटरी से 1 लाख रुपए कम है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखे जाने की उम्मीद है। मौजूदा समय में राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 1.25 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख रुपए है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव के मुताबिक राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति का 3.5 लाख रुपए तक हो सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी का वेतन 2.5 लाख रुपए जबकि केंद्र सरकार के सेक्रेटरी का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रति माह है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इससे जुड़े विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। संभावना है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में विधेयकों को पेश किया जा सकता है। इसके पहले आखिरी बार 2008 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतनों में वृद्धि की गई थी। तब संसद ने सैलरी 3 गुनी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।